गड्डी अपनी है क्या? अपनी है क्या मतलब? अभी आप शेर कश्मीर ब्रिज पे जो अभी हादसा हुआ, एक टेम्पू ने एक वैगनार को हिट किया, जिस टेम्पू के अंदर 22 पैसेंजर थे। बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है, कोविड के इतने खतरनाक नियम आने के बावजूद भी यहाँ पे 22 पैसेंजर इसके बीच में होना, ये कानून के लिए बड़ी शर्मनाक बात है कि भाई ऐसी कंडीशन में लोग इतनी ओवरलोडिंग करके निकल रहे हैं। और हमारे देखते देखते यहाँ से 25 वाहन निकले हैं जो ओवरलोडिंग, जिनकी मैक्सिमम मेरे हिसाब से 40-40 पैसेंजर उनके अंदर बैठे हुए थे। मैं और खड्डे देखिए, आप खड्डे इतने गहरे गहरे यहाँ बनाए हुए हैं, हादसे का कारण बन रहे हैं ये। और इस ड्राइवर के पास ना लाइसेंस था और 22 सवारियाँ लेके ये जा रहा है, इसको पूछने वाला कोई नहीं है क्या? ऐसी कंडीशन में आए दिन एक्सीडेंट होते रहेंगे और हमारे यहाँ पे नौजवानों की हत्याएं होती रहेंगी। ऐसे मैं एडमिनिस्ट्रेशन से पूर्वक अपील करता हूँ कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए इस पर, और आने वाले टाइम में ऐसा कोई हादसा ना हो, इन खड्डों को फिलअप किया जाए और ऐसे जो लाइसेंस जिनके पास लाइसेंस नहीं है ऐसे ड्राइवरों को उनको रूट पर नहीं चलने दिया जाए। जय हिंद। सर मैं आपको बताऊं कि हम अभी क्रॉस ही कर रहे थे यहाँ से, तो ये हादसा यहाँ हमारे सामने हुआ है। और इस हादसे का मेन रीज़न जो है वो ड्रिंक करके ड्राइव करना, इसका मेन रीज़न यही है कि जब ड्राइवर जो है वो ड्रिंक करके ड्राइव कर रहा था और सवारियाँ जो है उसने अपनी मतलब जो उसकी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा बैठा के रखी हुई थी, जिसकी वजह से ये हादसा जो है यहाँ दरपेश आया। और पुलिस स्पॉट पर पहुँची और आके मैनेज किया, लेकिन मुझे लगता है कि अगर इस पर जैसे ये ड्राइविंग जो ड्राइवर हैं अगर ये ड्रिंक करके ये और साथ में कैपेसिटी की सवारियां बैठाएंगे तो इतने हादसा जो हैं यहाँ पर पेश नहीं आएंगे।